नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। लालू यादव की तबीयत कैसी है, उनकी सेहत का क्या हालचाल है, इस पर नज़रें बनी रहती हैं। तो आज उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, तो उस बुलेटिन को सुनने के बाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांति सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है रांची में लालू से मुलाकात के बाद, सुनिए इस पूरे बयान में। आसमानी से लालू प्रसाद जी से मिलने के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति बिहार की जनता को या फिर बिहार से झारखंड की भी सारी जनता को एक है कि हमारे नेता का कैसा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के प्रति कि हमारे नेता एक सिद्धांत हैं। और किसी को लाखों आप बंद करके क्यों ना रखिए, लेकिन उसकी जो संदेश है गांव गांव घर घर पहुंचने का काम करता है। लोगों की चिंताएं इतनी है कि हमारे नेता का स्वास्थ्य किसी भी तरह से ठीक रहना चाहिए। अगर वो ठीक रहेंगे तो बिहार की जो जनता है, बिहार या पूरे देश की जनता है, वो बहुत खुश रहेगी और कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से करेगी। अभी आपको नागरिकता संशोधन विधेयक आया, उस पर भी लोगों का जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश को मोदी है तो सब कुछ है, तो इस बार पता चलेगा झारखंड की भी सरकार को इस तरह के संशोधन विधेयक ला करके आप जो चाहेंगे, जो हिटलर शाही वाली जो रवैया आप करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नेता का तो स्वास्थ्य आप लोग सबको पता है, जो भी लोग मिलने आते हैं, चिंताएं हमारी उनसे लगातार बनी हुई है कि वो स्वस्थ रहें। और क्या बातें हुई मैडम उनसे? मैडम करीब 45 मिनट लालू जी के साथ आप रहे, कैसी तबीयत है, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बता दीजिए। स्वास्थ्य के ही बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा एक बार विस्तार से कि डॉक्टर कुछ बताएं। जो पहले की स्थिति थी उसी तरह की स्थिति उनकी आज भी है, शुगर का अप एंड डाउन होना, खासतौर पर किडनी की जो उनकी सिचुएशन है, उन सभी बातों पर हम लोगों ने बातचीत किया। काफ़ी दुबले भी हो गए हैं और खाने पीने का भी काफ़ी परहेज है। जो इच्छा पहले होती थी खाते थे, अब डॉक्टर के निर्देशानुसार वो खाते हैं, नॉनवेज खाना नहीं है और कभी कभी अंडा लेते हैं। तो हम लोग तो पारिवारिक रूप से एक शुरू से हम लोग जुड़े हैं उनसे, राजनीति में मैं हूँ, लालू प्रसाद जी की नीतियाँ और सिद्धांत के तहत हम गांव में रहते हैं। हम लोग गरीबों के बीच रहते हैं, पिछड़ों के बीच में रहते हैं, दलित के बीच में रहते हैं, जो उनका मार्गदर्शन होता है उसके अनुरूप हम सब काम करते हैं। और सारे लोगों की दुआओं को लेकर के मैं लालू प्रसाद जी तक आई थी कि उनकी दुआएं भी आपको लग जाए सर, कि आप स्वस्थ हो जाइए जल्दी,